हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन क्वेश्चंस। ओके, देखो फर्स्ट में कह रहा है कि आपको 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/35 इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो कितना बहुत ईजी है बाबू, अगर आप अच्छा से ध्यान दे दो तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। ओके देखो, ओके देन देखो अब क्या करोगे, 11 से ये दोनों कट जाएंगे, 11 चौका 44, 11 तीन 33 और 5 से 7 बचे 35 कट जाएंगे। उसके बाद 2 से ये 4 दो बार में कट गया और ये 3 से 3 कट गया, तो मींस बचा आपका 1/2 इंटू 7 बचा 2 इंटू 7, देन आपका 1/14 हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखियो, सेकेंड नंबर में बोल रहा है, देखो सेकेंड में कह रहा है 12/25 इंटू 15/28 और 35/36 इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करनी है। तो देखो 12/25 इंटू जो होता है 15/28 इंटू 35/36। देखो आप क्या करो कि 7 से इस कट जाएगा, 7 चौका 28, 7 बचे 35, उसके बाद देखो 5, उसके बाद कौन बचा, तो 12 तिहाई 36 हो गया, उसके 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25, बचा 25 हो गया। उसके बाद बचा कोई कटने वाला है कि नहीं, 3 से 3 कट गया एंड देन 5 से 5 कटा, बचा कितना 4, आपको बचा 1/4। कितना इजी है, बस आपको काटना आना चाहिए कौन से कौन कटेगा वो आपको सिंप्लीफाई, बस उसके बाद तो क्वेश्चन आपका इजी ही इजी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, 10/27 इंटू 28/65 इंटू 39/56। देखो 10/27 उसके बाद 28/65 और 39/56। देखो तो क्या ये 13 से कट जाए, 13 से 13 39 और 13 55, ओके 13 55 एंड देन देखो उसके बाद 28, देखो 14 दुना 28 और 14 दुना 28 हो गया, कटेगा 14 दुना 28, 14 दुना 28 और 14 चौका 56, ओके एंड 2 से 2 कट गया दो बार में। ठीक है, उसके बाद 5 दुनी 10, 5 से दो बार में 10 कट गया और 3 से जो है 9 कट गया। ठीक है, उसके बाद बचा कितना आपको जो है, तो आपको बचा 9 एंड 2 बचा, और कुछ बचा है आपका 9/2 बचा। ठीक है, उसके बाद एक आपका यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है। ठीक है, तो आपका बचा कितना 1/1 आपका 9 बचा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है कि देखो फोर्थ नंबर में 1/4/7 इंटू 1/13/22 इंटू जो है 1/1/15 इसको सॉल्व करनी। ठीक है, तो आपका देखो 1/4/7 इंटू जो है 1/13/22 इंटू 1/1/15। सबसे पहले इसको सिंपली इसको आपको फ्रैक्शन करो, उसके फ्रैक्शन तो ये भी कौन सा फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, तो इससे जो है उसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर दो, उस फॉर्म में जो सिंपली कर दो P/Q के फॉर्म में कर दो। तो देखो 7 से 1 से गुना करोगे 7, उसके बाद 4 को जो ऐड कर दोगे तो 7 4 11 11/7 इंटू 22, इसे गुना करो 22 और 22 13 कितना होता है आपका 22 13 35, तब 35/22 इंटू 15 1 16 16/15। ठीक है, तो देखो 11 से ये कट जाएंगे, 11 दुना 22, उसके बाद 7 5 35, उसके बाद और 15 जो था 5 कट जाएंगे तो 5 3 15 और देखो 2 से 8 कट जाएंगे, 2 से 8 8 दुनी 16 आपका बचा कितना, बचा आपका 8/3, मतलब 8/3 इसको इस फ्रैक्शन में रखो या जिस फ्रैक्शन में है आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसी में कर दूँ। तो देखो आपका अगर सिंपली क्या करो ऐसे तो कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3 दुनी 6 2 आपका आ जाता, लेकिन आपको नहीं आएगा फर्स्ट में, क्या 3 से 8 में डिवाइड करो। ठीक है, तो 3 दुनी 6 तो बचा कितना रिमाइंडर 2 बचा। ठीक है, 3 दुनी 6 बचा, उसके बाद क्या करियो कि आप यहाँ पे ऊपर 2 कर दो और 3 है तो यहाँ 3 कर दो। ठीक है, देन आपका आंसर कितना आएगा 2/2/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो 4 हो गया, अब आपका 5 नंबर देखना, 5 नंबर
फाइव नंबर में कह रहा है आपका 2/2/17 इंटू जो 7/7/2/9 इंटू 1/33/52। ठीक है, देखो 17 × 34 और 2 × 36 36/17 और 9 × 63 63 और 2 65/9 उसके बाद जो है आपका 52, तो 52 × 1 52 और 33 कितना होगा 85 हो जाएगा। ठीक है, 85/52 हो जाएगा। अब देखियो, आप सिंपली देखना, तो देखो तो 9 × 9 = 36 है, 9 × 36 4 से कट जाएगा। उसके बाद देखो 17 × 25 85 पांच बार में 85 कट जाएंगे, उसके 13 × 52 और 13 × 65। ठीक है, उसके बाद बचा कौन सा, 4 से 4 कट गए। ठीक है, तो देखो बचा कौन सा आपका 5 × 5 मतलब 5 × 5 मतलब 25। ओके, अब 6 नंबर देखो, 6 नंबर आपको यहाँ पे है। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे देखना, तो आपका 6 नंबर क्या है, 6 नंबर जो है आपका 3 1/16 इंटू 7 3/7 इंटू 1/25/39। ठीक है, तो देखो 16 × 3 = 48 49 49/16 और 7 × 49 = 52 52/7 और 39 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 39 एंड देन 25 ऐड करोगे तो अब कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 64/39। ठीक है, अब क्या करो, तो आपका 16 से 16 × 64 और ये आपका 13 × 39 13 × 52 ओके 7 × 49। ठीक है, और कुछ कटने वाला है, अब तो कुछ नहीं दिख रहा है जी। तो देखो 7 × 4 × 4/3 आ गया, तो देखो 7 × 7 = आपका 28 28 × 4/3 तो 8 × 32 8 × 32 के दो हाथ में 3 और 4 × 8 = 3 = 11 112/3 ऐसा इतना भी लिखोगे तो आपका सही है, लेकिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो कैसे क्या करोगे, 3 से क्या करो, 3 को 112 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो 3 × 9 तो आपका 11 में से 9 हो गया, 2 ऊपर से था 2 22 हुआ, तो उसके बाद क्या करोगे 7 × 7 = 21 तो आपका 1 कट गया। देन आपका रिमाइंडर जो है, जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर को हमेशा ऊपर लिखते हैं और जो ये आपका डिवाइजर होता है डिवाइजर को नीचे लिखते, कितना है 3 है, तो आपका इतना आंसर आ गया 37/1/3 इतना आंसर आ गया। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब बहुत सपोर्ट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू।